नमस्कार। कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि यदि हम कोई नया घर या नई शॉप या नई फैक्ट्री बना रहे हो तब हमें वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेनी चाहिए। यदि हमारा वास्तु पहले से ही वास्तु के नियमों के अनुसार बनाया हुआ है या यदि ऑलरेडी हमारा कोई एग्जिस्टिंग घर या फैक्ट्री या शॉप है ही और उसमें हम सिर्फ रिनोवेशन का काम कर रहे हैं तो हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, गलत तरह से लगा हुआ एक पेंटिंग या ऐड किया हुआ एक सोफ़ा भी आपके पूरे वास्तु को डिस्टर्ब कर सकता है। शास्त्रकारों का स्पष्ट मानना है कि वास्तु एक जीवंत ऑर्गेनिज्म है, अर्थात वह जैसे किसी जिंदा व्यक्ति को ऑल द टाइम गाइड करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही वास्तु में जितने भी मॉडिफिकेशन किया जाए, कोई चीज़ ऐड की जाए या कोई चीज़ घटाई जाए तो वो जो चेंजेस आप वास्तु में लाते हो उसके बारे में भी आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी ही चाहिए। वास्तु विद्या का ऐसा स्पष्ट सूत्र है कि वास्तु एक समूह का नाम है, उसमें सब देखना चाहिए। वास्तु सामूहिको नाम दीप्यते सर्व तस्तु यह। ऐसा मान लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति का कोई अंग हो, आपका हाथ हो या आपका पैर हो, और आपके ऊपर यदि कोई गलती से भी चोट कर दे तो आपको हानि तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी। यदि उस व्यक्ति का इंटेंशन आपके लिए सही हो या बुरा हो वो सेकेंडरी है, लेकिन यदि आप किसी के अंग पर चोट पहुंचाओगे तो उसको पीड़ा होनी स्वाभाविक है। वैसे ही एक दफ़े वास्तु रेडी हो जाए, दैट मीन्स उसका अंग रेडी हो गया, अब आप कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो आइदर आपने किसी एक्सपर्ट को नहीं पूछा है तो चांसेस आर देयर कि आप उनको चोट ही पहुंचाओगे, आप उनको मदद नहीं करोगे। और इसीलिए मानसार में ऐसी स्पष्ट चेतावनी दी गई है दैट विदाउट कंसीडरिंग वास्तु एक्सपर्ट आपको रिनोवेशन का काम नहीं करना चाहिए। आप मानसार के द्वारा दी गई हुई ये चेतावनी देखें। अज्ञानाद अंगहीनम च कर्ता विनश्यति तस्मात् तु शिल्पीभिः प्राग्नेर उहापेक्षोत्तन न योजयेत। इतना ही नहीं, वास्तु मीमांसा टीका इसी बात को समझाते हुए ये कहती है कि रिनोवेशन वास्तु दोष को मिटा भी सकता है और नया वास्तु दोष क्रिएट भी कर सकता है। नवीनीकरणम वास्तु दोषान चिकित्सिताम कर्तुम शक्नोति सृजति च। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिनोवेशन करवाने का निर्णय लो, याद रहे आपको उस तरह के ही रिनोवेशन करवाने चाहिए कि ताकि आपका वास्तु जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो, नया कोई वास्तु दोष क्रिएट ना हो। शुभम भवतु, प्रणाम।